अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में तमाम सितारा फैमिली के ईद उल अज़हा के पहले दिन की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करेंगे और बताएंगे कि सितारा के तमाम फैमिली ईद के पहले दिन को किस तरह से एंजॉय किया। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं सितारा यासीन पे। सितारा यासीन ने ईद के पहले दिन को धूमधाम से मनाया। सितारा यासीन ने अपने इंस्टाग्राम पर ईद के पहले दिन के ड्रेस को शेयर करते हुए तमाम यूट्यूब फैमिली को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सितारा के ईद के पहले ड्रेस को मदाओं काफी ज्यादा पसंद किया और ढेरों सारी दुआएं और मुबारकबाद दी। सितारा यासीन ने ईद के दूसरे दिन का भी ड्रेस अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और आज यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगी जिसमें वो ईद को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं अपने सब्सक्राइबरों को दिखाएंगी। और दूसरी तरफ उनके शोर साजिद अमीन अभी तक नजर नहीं आए, शायद वो कुर्बानी में मसरूफ होंगे। साजिद ने अपने बच्चों और भाइयों के साथ ईद नमाज डेरा नवाब शाह में अदा की। इसके साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सितारा यासीन इस्लामाबाद मरी नारायण कागान के लिए आज या सुबह रवाना हो सकती हैं। दूसरी तरफ सितारा यासीन की फैमिली दिलबर बाबा नैना शाहरुख ने अपनी ईद की दिन की वीडियो को शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने ईद के पहले दिन को कोई खास प्लानिंग के साथ इंजॉय नहीं किया। उन्होंने सिंपली जिस तरह से व्लॉग बनाते हैं उस तरह से डेली की रूटीन का व्लॉग को शेयर किया और जिसमें सिर्फ ईद नमाज पढ़ते हुए दिखे गए। आपको बताता चलूं कि उनमें से कोई भी सितारा यासीन को ईद मिलने के लिए नहीं गया। ये तमाम ईद के पहले ही दिन इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं जो बाद में सितारा यासीन के साथ इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और आगे मरी के लिए ट्रैवल करेंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम नैना पर बात करेंगे कि कैसे उनको लाखों करोड़ों रुपए की ऑफरें आ रही हैं और नैना अकबर अब यूट्यूबर के साथ साथ अदाकारा भी बनते हुए दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।